मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शेरकोट, रिक्त पड़े राशन डीलर के पद के लिए चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें ग्रामीण ने विजयपाल सिंह को भारी अंतर से जिताकर राशन डीलर हेतु चयन किया। आज थाना क्षेत्र के गांव औरंग शाहपुर नारायण उर्फ भनौटी में राशन डीलर का चुनाव संपन्न हुआ। राशन डीलर के लिए हुए चुनाव में दो लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र दाखिल किए, जिसमें विजयपाल सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह ने राजेंद्र पुत्र हेमराज सैनी को 63 अंतर से हरा दिया। विजयपाल सिंह को 191 ग्रामीण का समर्थन मिला, जबकि राजेंद्र को 128 ग्रामीण का समर्थन मिला। इस अवसर पर एडीओ पंचायत धामपुर नसीम अहमद, एडीओ समरपाल सिंह, एडीओ शैलेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान अनुराधा पत्नी सतीश कुमार, ग्राम पंचायत सचिव त्रिवेंद्र कुमार, मनोज कुमार, महेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से थानाध्यक्ष धीरज सिंह नागर, उपनिरीक्षक बिजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल अंकुर पवार, कांस्टेबल सचिन कुमार, राम कुमार सिंह, महिला कांस्टेबल अमृता सिंह मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के पास भनोटी गांव में आज हम मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ कई बार डीलरशिप का चुनाव हुआ है और कैंसिल हो गया है। इस बार फिर आज चुनाव हुआ है और कामयाब रहा है। हम जानना चाहेंगे, जो विजय हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या वजह रही कि चुनाव कैंसिल होते रहे पहले। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में जो है इससे आज से पहले 3 बार पहले और प्रस्ताव हो चुका है, जिसमें जो है मुस्लिम समाज से इशरत भाई पुत्र निसार भाई ये विजय होते चले आ रहे हैं, जिसके चलते जो है मतलब एक गलत राजनीति समझ लो या असामाजिकता के कारण उनका जो है आज तक राशन डीलर के लिए चयन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी जो है तो हमारे जो पदाधिकारी यानी के जो सेक्रेटरी एडीओ बीडीओ साहब और जो एसडीएम साहब हैं, उन लोगों की यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, राजनीति के दबाव में आने के कारण वो दुकान नहीं हो पाई है। ठीक आज इसी प्रकार मेरे साथ भी होने जा रहा था। दो कैंडिडेट थे आज, हम एक राजेंद्र सिंह पुत्र श्री हेमराज सिंह और एक मैं विजयपाल सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, दो मैदान में थे। तो उसके बाद में जो है हम दोनों चुनाव कराने के चुनाव हुआ तैयार थे और अधिकारी लोग जो थे उन्होंने जब देखा तो वे किसी राजनीति के दबाव में थे तो वे कैंसिल करना चाह रहे थे। मैंने जो है अपने माइंड से फिर से बोला, मैं बोला भाई मन के ऐसा नहीं होने देंगे, आज हम ये चुनाव करके ही हटेंगे, चाहे हारो या जीतो, जितना आपका काम है या तो आप अपनी कमी बतलाएं कि क्या कमी है इसमें। फुल जनता थी, सारे एडीओ अधिकारी आए हुए थे, एडीओ बीडीओ वगैरह सारे लोग, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग था सब लोगों के लिए, जनता के लिए, महिला पुलिस भी आई हुई थी, परंतु वे अकारण एक राजनीति के दबाव के कारण वो जो है निरस्त करना चाह रहे थे। फिर मैंने उनको जो है मतलब कहा, मन किया भाई ऐसा नहीं होने दूंगा, प्रस्ताव तो ये होना ही होगा क्योंकि इससे पहले जो है गलत राजनीति के कारण 3 बार हो चुका है और 1 बार निर्विरोध भी हो चुका है, लेकिन राशन डीलर नहीं बनने दिया। तो आज जो है राजेंद्र सिंह के 128 वोटों से मतलब प्राप्त हुए हैं उनको और मेरे जो है 191 वोट मुझे प्राप्त तो हुए। जैसे विजय हुए हैं, गांव के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे शांति के लिए, जैसे आप अभी थोड़ा बता रहे हैं। हाँ जी, मैं गांव में शांति के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ग्राम औरंग शाहपुर नारायण का या आजमपुर गांव का कोई भी समर्थक अभद्रता से पेश ना आए। जैसा हमें अभी जो विजय हुए हैं डीलर उन्होंने बताया है कि बड़ी शांतिपूर्वक इस बार चुनाव हुआ है और आगे भी ये चाहते हैं कि गांव के अंदर शांति बनी रहे, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है, हमें भी बुलाया गया था, हमें भी बताया गया था कि कहीं ना कहीं चुनाव में वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम मौके पर पहुँचे हैं और हमने यहाँ आके देखा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया और गाँव वालों ने बड़ी समझदारी के साथ चुनाव कराया है और भाई को विजय बनाकर और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब कृपाल सिंह है। आज यहाँ राशन डीलर के चुनाव हुए हैं जी, कौन जीता है यहाँ पर? विजयपाल सिंह। चुनाव सही हो गए हैं? चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। क्या कारण रहा जो पिछले दिनों जो चुनाव होते थे जो हाँ रुक जाता था? चुनाव हुए हैं भाजपा के द्वारा, जो कार्यकर्ता है पार्टी वाले उन्होंने रद्द करा दिया गया उनके दबाव से। ठीक है जी, इस बार जब उनका दबाव प्रेशर चलता रहा तो हमने मुस्लिम समाज ने इकट्ठे होकर यहाँ पर विजयपाल को चुना गया, मैदान में उतारा गया, तो विजयपाल जी चुनाव जीत चुके।
कहीं ना कहीं आपने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया है जी, मुसलमान हम भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई, लेकिन ऐसा मगर ऐसा ये लोग हो नहीं देते। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज से, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।